अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इस्तबा और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मक्खियां ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो हम अगर सो रहे हो, खाना खा रहे हो या फिर हम कुछ भी कर रहे हो, हमें एक मक्खी आकर तंग करती है तो हमें कितनी उलझन होती है। हाँ, आपको उलझन तो होती होगी, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर मक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। हमारी जो अर्थ है वो इकोसिस्टम के ज़रिए चल रही है और उसका एक अहम पार्ट है मक्खी। अगर उस सिस्टम का एक भी पार्ट अगर टूट गया तो हमारी दुनिया पे बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो उसका एक अहम पार्ट है मक्खी। अब मक्खी करती क्या है? मक्खी हमें बीमार करती है। आप सभी ने तो ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वह हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हैं। जहाँ पे एक मक्खी बहुत सारा पॉल्यूशन फैला सकती है, वहाँ पे एक मक्खी बहुत सारा पॉल्यूशन ख़त्म भी कर सकती है। जैसे अगर किसी की भी डेड बॉडी होती है तो उसमें मक्खी जाके अपने अंडे देती है और उन अंडों में से छोटी छोटी मक्खियाँ निकल के उस डेड बॉडी को ख़त्म कर लेती हैं। तो मक्खियाँ ये फ़ायदेमंद हैं क्योंकि वो अगर वो पड़ी रहेगी डेड बॉडी तो हमारे पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। और बहुत सारे ऐसे परिंदे और इंसेक्ट हैं जो कि मक्खियों को खाकर ज़िंदा रहते हैं। अगर परिंदे ख़त्म हो जाएं तो हमारी दुनिया की रौनक चली जाएगी। और बहुत सारे परिंदे ऐसे भी हैं जो कि मक्खियों के खाने के सिवाय रह नहीं सकते। तो मक्खियाँ हमारे सिस्टम का बहुत एक अहम पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।